गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सारे फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। सुबह सुबह आज पूजा से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और पर्स अभी सोया हुआ था तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि वो जब सुबह में सोया रहे उससे पहले मैं नहा धो के अपना काम निपटा लूँ, पूजा भी कर लूँ, नहीं तो उसको उठने के बाद ना उसके में मैं लग जाती हूँ। मॉर्निंग का काम वगैरह हो चुका है, पूजा भी मैं कर चुकी हूँ। सपोज जस्ट अभी अभी उठ के आया यहाँ पे मेरे पास बैठने के लिए, ब्रश कर लिया है, मिल्क अभी ठंडा हो रहा है तो मिल्क मैं जब अभी दूंगी। मॉर्निंग, निकालो खेलो इसको। स्पॉज को ना ये खेलने का मन कर रहा है जो इसके बर्थडे में ये मिला था। हाँ फाड़ के निकालो, इसमें लूडो वगैरह है, मेरे को लेके आया है मम्मा, खोल दो। ठीक है, आप ही का है। और सारे इसके देखिए यहाँ पे रखे हुए, मैं यहीं पे लेटी हुई हूँ, यहाँ रखे हुए हैं सारी चीज़ें। और कुछ ये लो, ये है आपका ना, देखो मैं बताती हूँ कैसे। ये येलो है ना, येलो पे रखो इसको, यहाँ ये 1 2 कितना है ये। सुबह खाए थे दही और रोटी और थी कद्दू की सब्जी, तो वो बनाई थी, थोड़ा सा ना मीठा मीठा सा मन हो गया था तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ये नमकीन कुछ खा लेते हैं। बाकी बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे घर में, सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब बिस्किट नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में मंगाया ना और ये बोल रहे थे ना कि बिस्किट अब थोड़ा सा कम लाऊंगा। और एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, मैं पता नहीं आप लोग आई थिंक सब लोग जानते होंगे, मैं कद्दू की सब्जी बनाई थी एक दिन, बनाई थी तो उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये आपको बीज दिख रहा है, ये बीज को ना मैं वॉश करके धूप में सुखाऊंगी और इसको भून के खाया जाता है। मतलब मेरी मम्मी ऐसे करती है ना, तो देखिए दो बाउल, ये कल वाला है और नहीं ये वाला पहले वाला है और ये कल वाला है, तो इतना सारा बीज है तो मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। वही थी इसी के मैं जा रही हूँ ना छोले और राइस बनाने, यही खाने का मुझे मन हो रहा है। और इडली के लिए मुझे भिगोना है, ये देखिए ये रहा काला चना, इडली के लिए चावल भिगोना। चलिए इसको पहले तो मैं बॉईल करने को रख दूँ, फिर प्याज वगैरह कटूं करूँ। तो मैं वॉश करते जाती हूँ, एक बैग ज़्यादा ना बर्डन नहीं पड़ता है, या दिवाली के टाइम भी हमें वॉश करना होगा तो ज़्यादा मुझे क्लीन नहीं करना पड़ता है, ऐसे करती हूँ। तो पूजा वाले बर्तन में वॉश की थी तो ये तो मैं रख दे रही हूँ, यहाँ ये सूख गया है तो इसको मैं रख दे रही हूँ पूजा पास। देखिए मैंने चने बॉईल कर लिए हैं और प्याज, वैसे बहुत लोग चने बॉईल करके ये ना वो दिख रहा है नहीं बनाते हैं, बट पता है चने जब मैं बॉईल करके बनाती हूँ तो ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और टेस्टी लगता है, इसलिए मैं बॉईल करती हूँ। आप लोग बिना बॉईल के भी बना सकते हैं, कुकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए अभी। तो बहुत दिनों बाद मैं काले चने के ना छोले बनाने जा रही हूँ, तो मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ प्रेशर कुकर में, छोटे वाले कुकर में। उसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, साबुत जीरा, और दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी, एक बड़ी इलायची डालूंगी, एक छोटी इलायची डालूंगी, और बस हरी मिर्च डाल रही हूँ, तेज़पत्ता डालूंगी, लहसुन डाल रही हूँ। और मैं ना बाद में गरम मसाला नहीं डालती हूँ इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ ऐसे खड़े करें, इससे भी टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद प्याज लहसुन जो भी था उसको मैं डाल के उसको भून लूँगी और नमक डाल के ना सीटी लगा दूँगी, मतलब इसको सॉफ्ट कर लूँगी। देन मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, इससे प्रेशर कुकर में बनाने से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। उसके पहले मैं इसमें डालूंगी एक टमाटर, क्योंकि टमाटर के बिना कहाँ टेस्ट आता है ना, तो एक टमाटर कट करके और मैं इसमें डाल दे रही हूँ, मिक्स कर दूंगी और नमक डाल के उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। यहाँ पे किया है, मैं इसको रूम में छोड़ के गई थी, रूम में इसलिए छोड़ी थी ना कि ये आराम से ना इधर विंडो के बाहर से इसको यहाँ पे एक मंदिर दिखता है और फ्लैग वगैरह दिखता है तो वही सब देख रहा था यहाँ खड़े होके। और इसमें क्या क्या, ये जो है ना ये बहुत भारी है, ये वाला जो विंडो है ये जाली वाला, इसने खोल के ये चारों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, नीचे है, ये चारों खोल के और इसने इसको निकाल के, और जैसे मैं चिल्लाई हूँ ना मेरे को ध्यान नहीं आया, मैं चिल्लाई हूँ ना बस ये छोड़ के भाग गया है और ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब इसके पैर पे नहीं गिरा, बस इतनी ही, मतलब मुझे तो पता नहीं आज कैसे क्या हो जाता, क्यों करते हो बेटा इतना बदमाशी। मैं एक मिनट भी ना इसको छोड़ नहीं सकती, चाहे मैं खाना बनाऊँ, बहुत मतलब पता नहीं लगता है ना कि कैसे आगे की ज़िंदगी चलेगी। खाना एक मिनट के लिए बस मैं प्याज भूनी सोची कि इसको ये अभी खेल रहा है बाहर देख रहा है, जब तक उसने मैं ये मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ।
तो अभी तो मैं स्पर्श को अपने पास ही किचन में ही बिठाई हूँ स्टूल पे, और यहाँ पे मसाला इसमें डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं छोले मसाले इसमें ऐड करूँगी। तो बस ये सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जब तक भूनूँ नहीं ना तो टेस्ट आता ही नहीं है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, वैसे वो तो तीखा होता नहीं है, कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है, तो देख के ना अगर रेसिपी अच्छी बनाओ और वो अच्छा दिखे तो खाने का भी अच्छे से मन करता है, ज़्यादा मन करता है। तो देखिए यहाँ पे मसाला सारा भून चुका है, उसके बाद ये जो चने बॉयल करी थी इसमें डाल दूँगी, और मैं 3 से 4 सीटी इसमें अभी लगवाऊँगी इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके। और स्पर्श जब ये देखा ना कि बन रहा है तो उसकी भूख ज़्यादा बढ़ गई थी, तो भुनी हो गई थी उसकी भूख, और राइस बनाऊँगी, बस यही मेरे ना हमारा लंच हो जाएगा, और ये सब्ज़ी तो बच भी जाएगी, रात का भी हमारा हो जाएगा। उस तेज फेंकोगे तब तो, और ऐसे तेज फेंकते हैं ना, हाँ जब फेंक, हाँ देखो पापा का, हाँ गाओ 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 तो इसको मैं मुझे अभी ना लेके जाना है स्टिच करवाने के लिए। कुछ टाइम पहले मैं आपको दिखाई थी ना अमेजोन हॉल में, मैंने एक सूट पीस मंगवाया था, कॉटन में था, तो वहीं उसी का ये सलवार है, बंधेज प्रिंट है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इनको भी बहुत पसंद है, तो वहीं मैं सोची कि चलो स्टिच करवा लेती हूँ, स्टिच रहेगा तो कभी ना कभी तो पहनूंगी, नहीं तो ऐसे तो टाइम भी लग जाता है, और होते तो इसको मैं इसको फोल्ड कर ले रही हूँ। और ये कपड़े अभी मैं दे रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको लेने में, क्योंकि इस टाइम पर सारी जगह ना रश, जितने बुटीक हैं सब में रश इतने हो गए हैं ना कि महीने भर लग जाएंगे। पहले बड़ा इतना बड़ा बड़ा पहले आता था, अभी ये सब देखिए कितना छोटा छोटा ही आने लगा है, ऐसा जो बड़ा बड़ा आता था ना उसको हम लोग आलू बम बोलते थे, आलू बम है ना, क्या छोटा छोटा है, दिवाली का सब सामान ना मिलने लगा बच्चों वाला ये पटाखे। स्पर्श भी जा रहा है और ये भी जा रहे हैं, ये उड़द दाल लेके आए थे तो वो छिलके वाला लेके आ गए हैं, चावल तो मैं दोपहर में भी गोदी थी बट छिलके वाला लेके आए, तो छिलके वाले का उसमें ना इडली में नहीं बनेगा, अब इस टाइम भिगोऊंगी तो उसको देखूंगी रात के 11-12 बजे उसको पीसूंगी, फिर अगर भिगो देती हूँ तो साड़ी लेके जा रही हूँ। और मैं कपड़े देने चली गई थी, उसके बाद स्पर्श को इधर से ही लेके चले गए थे बर्गर खाने के लिए, और मेरे को कॉल किए, मेरे को 15 मिनट लेट हो गया, तो स्पर्श गुस्सा हो गया था क्योंकि सामने उसके बर्गर था और उसको खाने को नहीं मिल रहा था, तो मैं अभी आई ना तो बोली कि नहीं अब खाओ, तो यहाँ पे वो बहुत ही परेशान था, मतलब गुस्सा था एकदम, मैं बोली क्यों गुस्सा है, तो यही बोल रहा था इतने देर से इसके सामने रखा हुआ है बेचारा और खा नहीं रहा है, तो अब मैं आई तब ये स्टार्ट किए हैं खाना, मैं बोली आप लोगों को खा लेना था ना फिर मैं बाद में खा लेती, तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद हम लोग ना शाम के टाइम, पहले तो हमेशा ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ हम लोग बाहर आके खा ही लेते थे, बट अभी जब से कोरोना आया ना तो हमसे बहुत कम ही निकलते हैं, बहुत और अभी ना ये गए हुए हैं चोकलावा केक खाने का मन हो रहा था तो ये अभी गए हैं ऑर्डर करने के लिए, और ये वाले मोबाइल में ना मेरा ये वाला भी दिया हुआ है, जैसे फ्रंट साइड का भी मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बैक साइड का भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, तो यहाँ पे आके मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी, एंड फिर उसके बाद ये बोल रहे थे कि फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं मंगा लेती हूँ, स्पर्श का फेवरेट, और इनको भी खाने का मन हो रहा था, तो अभी स्पर्श हमारा तो बर्गर ख़त्म हो गया बट स्पर्श का ख़त्म नहीं हुआ था, उसका मन भर गया, वो खाएगा नहीं वो रख ही देगा, क्योंकि एक तो बहुत हो जाता है ना उसके लिए, जैसे तैसे तो उसने इतना खाया है, तो बस इन्होंने ऑर्डर कर दिया है, पेट भर गया स्पर्श का। स्पर्श के तो
यहाँ पे चोकुलावा आ गया है और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। हम लोग घर से ज़्यादा दूर भी नहीं आए हैं, बस पास में ही आए हैं, बहुत दूर नहीं है। टहलते टहलते हम पहुँचाते हैं यहाँ पे, और यहीं पे जस्ट मैंने अपना सूट भी स्टिच करने के लिए दिया है। तो उसके बाद बस इनको भी मैं ये नहीं खा रहे थे, मैं बोली नहीं बस एक स्पून आप खा लो अच्छा लगता है। तो ये पता नहीं क्यों ना चॉकलेट वाली चीज़ों से ना ये दूर रहना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो मेरे को तो खाना था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खाने में और अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है मुझे। स्पॉर्च को वेट कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज का आवाज़ नहीं है इतना ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ है। यहाँ पे मैं इनसे बोली नहीं किससे अच्छा हम घर पे ही ऑर्डर करके मंगा के खा लिए होते, तो ये बोल रहे थे कि यहाँ का तो मज़ा कुछ और है ना, घर पे मंगाती तो बोलती कि मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें सब्ज़ी लेनी थी थोड़ी सी, तो यहाँ रुके हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग, रात तो हो ही चुकी थी, 8 बज चुके थे रात की, अभी मैं जाऊँगी घर पर तो फिर सब्ज़ी तो है, बस रोटी ही मुझे बनानी है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। और लेट भी खाएँगे हम लोग। बोलो, मैगी नहीं खाए हम लोग, बर्गर खाए हैं। बर्गर खाए, फ्रेंच फ्राइज खाए, और क्या खाए, चोकोलावा केक खाए ना। उसके बाद फिर आए ना तो सांबर के लिए गिया, और वही नारियल लिए चटनी के लिए। फिर हम लोग नीचे शॉप में ना बात करने लगे, है ना स्पर्श, बहुत देर तक हम बात करते। स्पर्श थक गया, वहीं पे बैठ जा रहा था नीचे जमीन पर। फिर स्टूल लेके इसको बैठाई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आए, मतलब 10-15 मिनट हो गया हमें आई। बस किचन का टाइम हो चुका है मेरा, किचन में आ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ किचन का काम करने। क्या क्या करना है ये बता दे। उड़द दाल मैं थोड़ी देर पहले भी कोई थी, तो ये अभी आई थिंक मैं ग्राइंड नहीं करूंगी, 11-12 बजे रात में उठ के इसको ग्राइंड करूंगी आधी रात में। और जो मैं चावल भी कोई थी ये अच्छे से सोख हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल दी थी, तो इसको मैं ग्राइंड अभी करूंगी। सबसे पहले मैं जा रही हूँ आटा गुनने, आटा गुनने के बाद यहाँ की मैं क्लीनिंग करूंगी। ये देख रहे हैं ना कितना सारा सामान फैला हुआ है, इसको भी मुझे वॉश करना है क्योंकि इसकी जरूरत मुझे अभी है नहीं। और दो ही बोतल लेकर फाइन और एक मस्टर्ड ऑयल का काफी होता है। तो अभी तो रो ही रहा है जाने के लिए, क्या करें हम लोग। यहाँ पे मम्मी बाबू के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो ना सामान अपना पैक कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा मन हो गया है दादी दादा से मिलने के लिए। मम्मी जी रो रही हैं। मैं बोली कि मम्मी आप आ जाइए, बट बोल रही है नहीं आ पाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो भी चुके हैं ना मिले हुए। तो स्पर्श क्या है ना, बहुत ज़्यादा याद करता है खास करके दादाजी को। तो वहीं सुनी ना कि स्पर्श मतलब अपना कपड़े पैक कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और रोने लगी। देखो ये भी रोएगा बेटा, क्यों रो रहा है बेटा, आपके पास आएंगे, क्यों रो रहा है स्पर्श। देखो दादाजी आ गए, जब कहोगे तब आ जाएंगे। ओके दादाजी, दादी रो रही है बेटा आपके लिए, जाओगे दादी पास स्पर्श, दादी पास जाओगे, जाओ दादी पास। देखिए गेट के पास गया है स्पर्श, बर्गर खिलाएगा, बोल रहा है कि बर्गर खिलाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी बस मुझे रोटी बनानी है, किचन की क्लीनिंग कर दी हूँ, और जो मैं इडली भी गो के रखी थी उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है इडली बनाने के लिए, सॉरी। तो उड़द दाल शाम को ही आया था, 2 घंटे भी गोई, उसके बाद मैं उसको ग्राइंड कर दी हूँ और दोनों को रख दी हूँ अच्छे से। मॉर्निंग टाइम में ना, मॉर्निंग टाइम में बनानी है, तो बस रोटी बस बनाना है, सब सब्जी वब्जी दूध रखी हूँ किचन में। और थोड़ी देर पहले गर्म हो गया, थोड़ी देर पहले मम्मी जी से बात हो रही थी। और स्पर्श आज मैं आपको दिन में बताया नहीं ना कि दिन में क्या हुआ था ना, कि स्पर्श अपना पैक कर रहा था सामान ट्रॉली में, अपने बुक्स रख रहा था, पेंसिल बॉक्स रख रहा था, साथ ही साथ वो रख रहा था अपने कपड़े उपड़े रख रहा था। उस टाइम पे जब मैं उसके कपड़े निकाल रही थी ना, बहुत दुख हो रहा था, मतलब इतना ऐसा लग रहा था ना कि उसको कितना ज़्यादा मन हो रहा है दादाजी के पास, दादाजी के पास जाने का, बट इतना दूर है ना कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अगर पूरे दिन का या फिर 12-14 घंटे का भी रास्ता रहता ना, तो मैं उसको लेके अकेले चली जाती, बट पॉसिबल ही नहीं है, इनको छुट्टी नहीं मिलती है टाइम पे जब
बात हो रही थी तो मम्मी जी से जब मैं बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे कर रहा था स्पर्श जाने के लिए, जिद कर रहा है, रो रहा है, तो फिर मम्मी भी बहुत रोने लगी। जब कपड़े का बताई ना कि मम्मी कपड़े रख रहा था ट्रॉली में, पेंसिल बॉक्स रख रहा था, तो मम्मी बहुत रोने लगी है और बोल रही थी कितना मतलब दूर हो तुम लोग, दुख हो रहा था उनको, बहुत इमोशनल होकर रोने लगी हैं, थोड़ा तो भी नहीं जा पाते हैं, ऐसा टाइम मतलब है, अगर नज़दीक होता तो चली ही जाती, क्योंकि जब मैं स्पर्श को देखती हूँ ना और स्पर्श की कोई बात ना टाल नहीं पाते हैं, और जब वो बोलता है कि मामा जाना है तो दुख होता है, मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ना जब भी मैं जाती हूँ फिर आती हूँ कितनी, फिर थोड़े देर से आप लोगों से मिलती हूँ, मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी से मैं बात कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी, अगर नहीं हुआ तो ब्लॉग को मैं पेंट कर दूंगी, मिलूंगी आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।